कई जद्दोजहद और संघर्ष के बाद आखिरकार आर.आर. पांड्यन की घर वापसी हुई है। कार्यकर्ताओं और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बार माफियाओं के खिलाफ छेड़े मुहिम के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.आर. पांड्यन ने नाइट डांस बार के खिलाफ में चलाई मुहिम के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर आने पर पांड्यन को उनके परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि जेल में बंद होने के बावजूद हमारी पार्टी का काम चल रहा था, लेकिन अब मेरे आने के बाद हम और बड़े पैमाने पर काम करेंगे और इन बार माफियाओं को उनकी सही जगह बताएंगे। वहीं पूरे परिवार और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई अपने नेता को पास पाकर। अब देखना है आर.आर. पांड्यन अपने इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। क्या हो गया कि आप आए फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता सारे लोग इंतजार कर रहे थे। देखो, आपको तो पता है कि मैं किस मूवमेंट की वजह से अंदर आया हूँ। मैं बार और ये पुलिस का जो नेक्सस था उसका मैं शिकार बना हूँ। मतलब ये बार माफिया इतने पावरफुल हो गए, क्या उनको पता था कि पिटीशन डाला था मैंने जनवरी में, मतलब उसका मार्च में डेट था, तो उससे पहले इन्होंने षड्यंत्र करके जो सिविल मैटर था जो पार्टी से मेरा जुड़ा हुआ था, जिसमें मैं किसी का कोई पैसा बाकी नहीं, बाकी तो सबने लोन भरा है, लेकिन जबरदस्ती झूठा जो मतलब कि इन्होंने मुझे झूठा फ्रेम करके मुझे अंदर फंसाने के लिए उसमें मुझे एमपीआईडी एक्ट स्पेशल एमपीआईडी एक्ट लगा के मुझे अंदर डाल गया। बल्कि कभी भी लोन उनको मैंने लोन दिया था, उन्होंने मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, सब बैंक के लोन पार्टी थे, फिर भी उसके अंदर वाशिका जिसमें जो मेन कंप्लेनेंट है वो भी वाशिका है। तो नई मुंबई का जो पुलिस कमिश्नर है या वो जो भी है व्हाट्सएवर जो भी, इन्होंने उनका जो नेक्सस था बार का पूरे बार माफिया इन लोगों का नेक्सस ने मुझे अंदर डाल के मेरा पूरा 8 महीना उन्होंने ये किया, मुझे रोका। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो लड़ाई है चलती रहेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है, और मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं उधर जो बार माफियाओं को मैं पूरी जड़ से ख़त्म करूँगा। देखो, मैं बाहर आया हूँ, समाज सेवा जो पार्टी का काम है, अब लोग मैं नहीं था तो मेरे कार्यकर्ता थे जो लोग वो सब चला ही रहे थे किस तरह से, भले उनके अंदर मतलब जोश कम था, लेकिन अब मैं आने का अब लोग पूरे पूरे जोश से सब कार्यकर्ता का काम करें। आपने देखा सब मिलने आए सब कार्यकर्ता, और मैं उन सबका मतलब के आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मतलब साथ दिया जब मैं अंदर था, मेरे दिनरात भागे उन्होंने सब कुछ मेरे कोर्ट कचहरी जो कुछ जिस तरह से जो लड़ाई मेरा साथ दिया और मुझे बाहर निकाला। थैंक यू।